इन दिनों मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल खूब चर्चाओं में है। सुनील पाल ने हाल ही में एक्टर मनोज बाजपेयी को लेकर एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया था। अपने इस बयान को लेकर सुनील को काफी ट्रोल भी किया गया था, मगर अब इस पर खुद एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी केस पर जब सुनील पाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप नहीं होने से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने एक्टर मनोज बाजपेयी को गिरा हुआ आदमी और बदतमीज कहा था। अब मनोज बाजपेयी ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। एक्टर मनोज बाजपेयी से जब सुनील पाल के बारे में पूछा गया तो वो काफी देर तक हंसते रहे। फिर उन्होंने कहा कि उन लोगों की स्थिति को वो समझ सकते हैं, उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। मनोज बाजपेयी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं समझ सकता हूँ कि लोगों के पास काम नहीं है, मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ। मैं इस तरह की स्थिति में रहा हूँ, इस तरह की स्थिति में लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। हाल ही में सुनील पाल ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कॉन्टेंट फैमिली के लिए नहीं है, लोग सेंसरशिप की कमी का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड्स मिले, पर उससे ज्यादा बदतमीज और गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। सुनील पाल ने कहा कि मनोज बाजपेयी को देश का बड़ा सम्मान मिला है, लेकिन वो पॉर्न जैसे कॉन्टेंट में शामिल है। ऐसे ऐसे वेब सीरीज बना रहे थे जो आप घर में नहीं देख सकते, जैसे मैं खासकर नाम लेना चाहूंगा, मैं बहुत नफरत करता हूँ इन तीन चार लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसके, पर उससे ज्यादा बदतमीज आदमी, उससे ज्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। उन्होंने द फैमिली मैन की आलोचना करते हुए कहा कि ये सारी चीजें जो है ना बंद होनी चाहिए, ये भी एक पॉर्न है। पॉर्न सिर्फ दिखाने का नहीं होता, विचारों का भी पॉर्न होता है। वही अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी की फैमिली मैन की दूसरी सीरीज को ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिला। आपको बता दें कि हाल ही में मनोज बाजपेयी नेटफ्लिक्स की फिल्म रे में नजर आए थे। वही 6 अगस्त को उनकी फिल्म डायल 100 भी Z5 पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ नीना गुप्ता और साक्षी तंवर जैसे स्टार्स होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मगर आप हमें जरूर बताइएगा कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है। साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।